अपने घर में बुरी तरह पिटाई करने वाले का पक्ष लेता हुआ खड़ा हो रहा है। दिल्ली में कोई भी ये सोच नहीं सकता था, क्योंकि जब इसी दिल्ली ने एक बहुत ही दर्द भरी, बहुत ही नृशंस एक घटना झेली थी, निर्भया कांड, तो उस निर्भया कांड में जब दिल्ली और देश का दिल हिल गया था, तब वही व्यक्ति उसमें यह दिखा था कि वो महिला सुरक्षा के पक्ष में कुछ बातें कर रहे थे, और आज वही अरविंद केजरीवाल एक महिला को पीटने वाले को बचाने के लिए, उसको सजा न हो इसके लिए आज सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली को जोर जोर से बुला रहे हैं। हालांकि आया तो कोई नहीं, क्योंकि मैं भी अभी उस तरफ से आ रहा था तो मैं देख रहा था कि ठीक है, कुछ मीडिया के भी बहन तो थे, मगर आदमी नहीं थे और न तो आने वाले। अब एक बड़ा सवाल उठता है, दिल्ली जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं कि उस दिन अरविंद केजरीवाल के राजमहल में अपने घर में स्वाति मालीवाल के साथ हुआ क्या, ये जानना चाहते हैं। आज दिल्ली और दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के मुद्दे पे क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ, वो सिर्फ उसके पक्ष में क्यों बोल रहे हैं जो पीटने का आरोपी है, उसके ऊपर एफआईआर हुई है, उसको सजा मिलनी चाहिए और सजा मिलेगी भी, ऐसा दिल्ली के लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे अरविंद केजरीवाल, और केजरीवाल उस व्यक्ति को जिसका नाम विभव है, जो उनका पीए है, उसको बचाने में क्यों लगे हैं, क्या है वो मजबूरी जिसके कारण वो एक महिला जो एक माननीय सांसद भी है, और हमारे लिए इट डजंट मैटर कि वो कौन है, एक महिला है वो दिल्ली की, उसको पीटने वाले व्यक्ति को बचाने में इतनी जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं, यह भी सवाल उठ रहा है। और यह भी सवाल उठ रहा है कि उस महिला को पीटने वाले को कहां छुपा कर रखा, अपने ही घर में क्यों छुपा कर रखा। और एक और सवाल उठता है कि केजरीवाल ने उस समय के सीसीटीवी फुटेज को क्यों नष्ट कर दिया, एक मुख्यमंत्री के घर में सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन इस घटना के बाद सीसीटीवी को डिलीट कर दिया था, उसके फुटेज को। इतना बड़ा आपराधिक दिमाग, इतना बड़ा साजिश करता, तब इन सवालों के पीछे मुझे दिखता है कि शायद ये अरविंद केजरीवाल की फितरत है, क्योंकि अपने करियर के शुरुआत में संतोष कोहली को भी मारने का आरोप है उनके ऊपर, जो परिवर्तन एनजीओ की हेड होती थी, जिसके घर में रहकर उन्होंने सुंदर नगरी में अनशन किया था। हमारे साथ साजिया इल्मी जी बैठी हैं, और ये उनकी उन्हीं के साथ थी उस समय तक, जब तक इनका भ्रम नहीं टूट गया था, आपसे बात करेंगी थोड़ी देर में। लेकिन ये सब कुछ सोचते हुए एक दिल्ली के सांसद के रूप में मेरा, और एक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में मेरा हृदय कांप जाता है कि ये कैसे, ये लोग कितनी घटिया सोच रखते हैं अपनी महिला को पीटने वाले के पक्ष में प्रदर्शन। आज
दिल्ली का हर वो व्यक्ति, हर वो बहन, हर वो मां, हर वो बेटी आश्चर्यचकित है, शॉक्ड है। ऐसे में हम समझते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल जो कि आए तो हैं एक 20 दिन के स्पेशल अधिकार के साथ, ठीक है, आज उनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल तो नहीं दी पूरी तरह से, लिख दिया उनके माथे पर कि आप एक कट्टर भ्रष्टाचारी हो, आपके खिलाफ बहुत प्रूफ है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी उनको 20 दिन की एक मोहलत मिली, जो कि इस समय देश में थोड़ा सा विवादों का विषय भी बन रही है। बहुत लोग ऐसे हैं जो इस पर सवाल भी उठा रहे हैं कि ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों, कई ऐसे लोगों की बात चल रही है। फिर भी क्या अरविंद केजरीवाल आपको इसीलिए भेजा गया था 20 दिन के लिए? जो रिपोर्ट आई है जो उनके चोट की, वो बहुत गंभीर चोट है, सर में भी और इधर बांह के पास भी। हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत ये पूछना चाहते हैं कि हमारे इन 5 प्रश्नों का अरविंद केजरीवाल जवाब दें, क्योंकि अगर इसका जवाब नहीं मिला तो अरविंद केजरीवाल आपका ये 20 दिन का आना एक बहुत ही बड़े प्रश्न के कटघरे में खड़ा होगा। शायद आपका मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया हो, लेकिन इस चारित्रिक संतुलन का भी जवाब देना पड़ेगा। पंजाब दियां वड़ियां अते ताज़ा खबरां दे लई आज दी आवाज़ दे फेसबुक पेज नूं लाइक करो, पेज फॉलो कर अपने दोस्तां दे नाल सांझा करो। देश विदेश नाल जुड़ियां हर तरह दियां खबरां लई तुसी साडे यूट्यूब चैनल आज दी आवाज़ नूं सबसक्राइब करो। हर एक तरह दी लेटेस्ट ब्रेकिंग खबर लई सानू तुसी इंस्टाग्राम दे उते भी फॉलो करो। देश विदेश दी हर एक तरह दी खबर हुण तुहानू मिलेगी सिर्फ आज दी आवाज़ दे उते। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਈ ਪੇਪਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਮਸਲੇ, ਹੋਵੇਗੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਖ਼ਬਾਰ।